तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको ले चलूंगी एक जादुई एक्सप्रेसवे पर। पहले तो मैं इस जादुई एक्सप्रेसवे का आपको नाम बता देती हूँ। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इसका कल इनॉग्रेट होने जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक्सप्रेसवे रात को किस तरह से जगमगाता है। तो चलिए मेरे साथ सफर शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफर कुछ ऐसा होगा। देखिए कितना सुंदर गोल एक रिंग गई हुई है और काफी सारे इंटरचेंज के साथ ये एक्सप्रेसवे कुछ इस तरीके से जगमगाएगा रात में। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे काफी सारे फ्यूचर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन का भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि सभी स्टेट को मिलाकर टोटल 15,000 हेक्टर लैंड एक्विजिशन किया गया था और इतना सुंदर लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने के बावजूद भी आज भी गडकरी जी के पास इतनी लैंड है कि बुलेट ट्रेन भी दौड़ सकती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सुनिए आप। इन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे वी हैव लैंड अवेलेबल 120 मीटर। द वन लेन इज ओनली 3.5 मीटर। वी आर फर्स्ट स्टेज मेकिंग ओनली 8 लेन। We can go up to 16 lane. Still, we can give land for bullet train today, tomorrow. Even if they want to start bullet train work from Delhi to Mumbai, land is available. We are also thinking on line of hyperloop and something. बहुत ही अच्छे। तो सुना आपने? वैसे इस एक्सप्रेसवे की खासियत की बात करें तो इसमें 40 से भी ज्यादा मेजर इंटरचेंज होंगे जो कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा और सूरत से कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। वैसे इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए 12 लाख टन स्टील को यूज किया जाना है जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। इस एक्सप्रेसवे पर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये भारत का और एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जानवरों के लिए ओवरपास और अंडरपास को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस जादुई एक्सप्रेसवे पर पैसेंजर्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी, आइए जानते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट, एटीएम, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, सबवे, मैकडॉनल्ड, रिटेल शॉप, फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन और अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हर 100 किलोमीटर के अंडर ड्रामा सेंटर और हेलीपैड की फैसिलिटीज भी होंगी। और हाँ, हम जो ये अपना सफर कर रहे थे, मेरा मतलब है गाड़ियों की स्पीड जो होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सफर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।